फ्री में वैक्सीन और फ्री में 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर राशन की सुविधा भी ये मोदी जी ने कराई। डबल इंजन की सरकार थी, डबल डोज राशन की मिल रही थी। भाइयों बहनों, ये पहले कभी नहीं हो पाया। राशन के साथ साथ लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ये भी मिल रहा है और साथ साथ आपकी आस्था को भी सम्मान मिल रहा है। मैं तो अयोध्या से आता हूं, भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में प्रारंभ हो गया है। 500 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, जिसके लिए हिंदुओं पे गोलियां चलती थी, लाठियां चलती थी, संतों का जाना वहां वर्जित कर दिया जाता था, रोक दिया जाता था, उस कार्य को मोदी जी ने एक झटके में सूझबूझ के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसका भी समाधान कर दिया और स्वयं अयोध्या आए और अयोध्या में रामलला के मंदिर का शुभारंभ लेकर कमलों से करके भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ा दिया। काशी में काशी विश्वनाथ का धाम बन गया। भाइयों बहनों, उज्जैन मध्य प्रदेश में महाकाल का महालोक का निर्माण हो रहा है। उत्तराखंड केदारपुरी में केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ में बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्य हो रहा है। द्वारिकापुरी में द्वारिका धाम का पुनरुद्धार हो रहा है। जितना विकर्मण था सब हटाए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, बुलडोजर केवल सड़क ही नहीं बनाता है, अब वह आतंकवादियों के और अपराधियों की छाती को भी रौंदते हुए आगे बढ़ता है। यह भी एक मॉडल बन गया है और इसीलिए आज आपके बीच में आपसे अपील करने के लिए आया हूं। ये आस्था का सम्मान क्या कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर पाती? आम आदमी पार्टी कर पाती? काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कांग्रेस या आम आदमी पार्टी कर पाती? और कश्मीर से धारा 370 को क्या कांग्रेस से आम आदमी पार्टी हटा पाती? भाइयों बहनों, ये न सुरक्षा दे सकते हैं, न सम्मान दे सकते हैं, न रोजगार दे सकते हैं, न गरीबों के दुख के साथ दुखी हो सकते हैं, न अपनी संवेदना ही व्यक्त कर सकते हैं। इनको क्यों चुनना है? और उत्तर प्रदेश की जनता ने तो बता दिया, अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, आम आदमी पार्टी कोई सीट खाता भी नहीं खुला, कांग्रेस दो सीट, 403 में से दो सीट कांग्रेस के पास। भाइयों बहनों, मात्र दो सीट, राम नाम सत्य है के लिए भी चार लोग चाहिए होते हैं और इसलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, बापू ने कभी कहा था 1947 में, जब देश आजाद हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जब कांग्रेस के लोग बापू से मिलने आए थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए गए थे, उनसे कहा कि कैसे कांग्रेस को चलाना है, उन्होंने कहा देश आजाद हो गया है, कांग्रेस की आवश्यकता नहीं, इसको विसर्जित कर दीजिए। भाइयों बहनों, कांग्रेस को विसर्जन का जो सपना बापू का है, उस सपने को साकार करने का वक्त आ गया है। जो कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी देश की सुरक्षा के लिए, देश की समृद्धि में बाधक है, बैरियर है, उसको फांसी पर डाल दीजिए, समाप्त कर दीजिए। और ये लोकतंत्र में ताकत आपके हाथों में है, अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कर दीजिए। और इसीलिए आज मैं आपके पास अपील करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री कीर्ति सिंह दाबी को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। आपके सांसद श्री देबू सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री हैं। भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी ने लंबे समय तक आपको नेतृत्व दिया और आज भाइयों बहनों, श्री कीर्ति सिंह दाबी आपके प्रत्याशी के रूप में, लोकप्रिय प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में आए हैं।
मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में, भूपेंद्र सिंह पटेल जी के नेतृत्व में आज गुजरात डबल इंजन की सरकार विकास समृद्धि के लिए बुलेट ट्रेन की भांति कार्य कर रही है। आप सब सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? किरीट सिंह धाबी को चुनाव जिता करके भेजेंगे? सो आप बधा भाजपा ने भव्य जीत आपसो, हाथ ऊंचा करीने समर्थन आपो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जै जै श्री राम।